डियर स्टूडेंट, अकाउंट का पार्ट बी यानी अकाउंट का जो पेपर होगा सीबीएसई क्लास 12th में, उसमें पार्ट बी जो 20 मार्क्स का आपका आएगा, इस 20 मार्क्स में जो 20 मार्क्स आपका आ रहा है, इस 20 मार्क्स में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। और बच्चों के साथ जो मेजर प्रॉब्लम जाता है वो ये प्रॉब्लम जाता है कि फॉर्मूले उनको याद नहीं होते। तो आज हम कोशिश करेंगे, ये रेशियो एनालिसिस फॉर्मूला बेस्ड रहेगा और इस फॉर्मूले को हम कैसे याद करें, कैसे हमको याद रहे, इन सब चीजों का पूरा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पूरे फॉर्मूले को अगर हम चेक करें तो चार पार्ट में ये बटा हुआ है, जिसको बड़े अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं लिक्विडिटी रेशियो। ये दिख रहा होगा कि लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो कवर किए जाते हैं। नॉर्मली लिक्विडिटी मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म का मामला है थोड़ा सा, इसमें लॉन्ग टर्म का मामला कम है। अब बड़े मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा कि आपको कहीं तकलीफ ना हो, बड़ी आसानी से समझ सको। तो लिक्विडिटी में आता है करेंट रेशियो, पहला आ गया करेंट रेशियो, इसको आप याद भी करते चलो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। अब रेशियो 2:1 अगर आपका आ गया तो इसे हम आइडियल मानते हैं, अकाउंटिंग टर्म में इसे हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि हमारा करंट एसेट्स 2 times है एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है दोस्त, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम करंट एसेट्स को तो पहचाने कि करंट एसेट्स होता क्या है। तो नॉर्मली आप 12th पढ़ते हैं तो करंट एसेट्स आप जानते ही होंगे, कैश इन हैंड करंट एसेट्स हो गया, कैश एट बैंक करंट एसेट। सर ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में क्या डिफरेंस है? तो कैश इन हैंड मतलब जो कैश आपके लोकल शब्दों में गल्ले में है, जो कैश आपके हाथ में है, जो कैश आपकी तिजोरी में है वो कैश इन हैंड, और जो बैंक में जमा है वो कैश एट बैंक। इसके अलावा करंट एसेट में कौन आएगा? डेटर आएगा। डेटर का मतलब हुआ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल करेंगे आप तो डेटर आपका आएगा किसके अंदर? करंट एसेट्स के अंदर। इसके अलावा आपका आएगा बिल रिसीवेबल, इसके अलावा आएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब आपके करंट एसेट्स हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपका आ गया करंट एसेट्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो भी आएगा करंट एसेट्स में। तो ये चीजें आपकी किसमें आ रही है? करंट एसेट्स में। कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कम समय के लिए आप किए हैं वो करंट एसेट्स में आएगा। और करंट लायबिलिटी में आपका क्या आएगा? अगर करंट लायबिलिटी में आप चलते हैं तो क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिट परचेस, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये करंट लायबिलिटी है। नॉर्मली आप 12th के स्टूडेंट हैं तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आप समझते होंगे, और नहीं भी समझते तो समझ तो रही है ना, हमको ज्यादा थोड़ी परेशानी है। तो करंट एसेट्स में ये सब आएगा और करंट लायबिलिटी में ये आएगा। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और आइडियल आदर्श, हर चीज का आदर्श होता है ना, तुम्हारे भी कोई आदर्श होंगे तो ऐसे अकाउंट में भी आदर्श होता है। आइडियल इसका मानते हैं 2:1। तो करंट रेशियो आज से आप याद कर लीजिएगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और आज घर से बाहर निकलना तो एक आध बार बीच में बड़बड़ाते हुए निकलना कि करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसके बाद सेकंड हम आते हैं लिक्विड रेशियो, इसका दूसरा नाम है क्विक रेशियो, इसका तीसरा नाम लेंगे तो आप इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। यानी कि इसके तीन नाम है, जैसे आपके पापा ने 2-3 नाम रखा होगा, चुन्नू मुन्नू टुन्नू, ऐसी लिक्विड रेशियो का लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, और कुछ स्टाइलिश लोग होते हैं क्विक रेशियो को कहते हैं क्विक क्विक रेशियो, बात तो वही हुई ना। तो क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो यहां तो हम चेंज नहीं हो रहे, यहां हम आते हैं लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स क्या होता है? कुछ नहीं, ये जो करंट एसेट्स है इसमें से सिर्फ स्टॉक हटा दो, करंट एसेट्स में से सिर्फ स्टॉक हटा दोगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दोगे आप, तो आपका आ जाएगा लिक्विड एसेट्स। यानी कि लिक्विड एसेट्स ऊपर है उसमें करंट एसेट्स के सिर्फ 2 आइटम हटेंगे,
स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर यहां तो आप करेंट एसेट्स में प्रीपेड नहीं लिखे हैं। अरे लिख ले पगले, और भी जो आइटम आएंगे एक आध आएंगे करेंट एसेट्स के, तो लिख लेना। तो करेंट रेशियो, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड अपॉन करेंट लायबिलिटी। इसका आइडियल क्या है? 1:1, यानी दोनों 1:1 की रेशियो में है तो आइडियल है। ये हुआ हमारा लिक्विडिटी रेशियो। तो आज आप घर से बाहर जब निकलोगे या चाय पीते हुए तो अब याद रखना लिक्विडिटी रेशियो यानी शॉर्ट टर्म का मामला है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और लिक्विड में करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटी। अब कई बार ऐसा भी लगेगा तो स्टॉक और प्रीपेड को अपने दिमाग में रखो और सिर्फ क्या रखो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों रेशियो आपके हो गए। तो चलो एक बार हम याद करते हैं अपने रेशियो को। क्यों दोस्तों? तो पहला जो रेशियो है करंट रेशियो, मैं मिटा इसलिए रहा हूं कि आपको याद रहे। तो चलिए याद करिए, बताइए आपको करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये लिक्विडिटी रेशियो यानी शॉर्ट टर्म का मामला फिनिश। एक बार और याद कर लेते हैं, एक बार और याद कर लो ना करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है। बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर वीडियो में ऐसा होना चाहिए, उसी में याद हो जाए। याद करो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो यानी थोड़ा तो ध्यान रखना। अक्सर हमारी जब बातचीत होती है तो मेरे साथ एक मेरे कलीग जो पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं सीए प्रवीण बापना जी कि इसमें लॉन्ग टर्म आता है सर, हर दम उनकी स्टाइल है, इसमें लॉन्ग टर्म आता है सर, उसमें शॉर्ट टर्म आता है। तुम लोग याद रखना कि लिक्विडिटी रेशियो में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, सब बड़ी बड़ी बातें होंगी यहां पे। खैर बड़ी बात तो तुम लोग करते ही हो। तो सॉल्वेंसी रेशियो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, थर्ड फार्मूला सॉल्वेंसी में डेप्ट टू इक्विटी, तो डेप्ट अपॉन इक्विटी। सर ये डेप्ट क्या है? अरे डेप्ट लॉन्ग टर्म लोन को कहते हैं पहले। डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन अपॉन इक्विटी। सर इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर फंड। इक्विटी मींस कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, ये इक्विटी है। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, चलो याद कराता हूं आपको। नाम क्या है इसका? डेप्ट टू इक्विटी। डेप्ट को साले को ऊपर रखो, इक्विटी को नीचे रखो, तो क्या आएगा? डेप्ट इक्विटी रेशियो। ऊपर लोन रखो और नीचे इक्विटी रखो। सर इसका कुछ आइडिया? अरे थोड़ा कॉमन सेंस भी तो लगा, सब आइडियल आइडियल करे जा रहा है। इसका आइडिया कुछ नहीं है, डेप्ट मतलब लोन हुआ और इक्विटी मतलब ये हुआ। तो देख तेरी लोन की क्या पोजीशन है इसके साथ, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो ये अगर कम रहेगा डेप्ट आपका तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, लोन अगर कम रहेगा, मिस्टर पीयूष समझ रहे हो ना, लोन अगर कम रहेगा और ये सब थोड़ा ज्यादा रहेगा तो मजा आएगा ना। तो डेप्ट अपॉन इक्विटी रेशियो हो गया। अगला चलते हम टोटल एसेट्स टू डेप्ट, फिर परेशान हो गए होने की जरूरत है। टोटल एसेट्स तो ये अच्छा सा है, टोटल एसेट ऊपर और नीचे में डेप्ट, नीचे में डेप्ट, इसको मैं क्या याद कराऊंगे? टोटल एसेट्स टू डेप्ट। क्यों? पिता पहले आया कि पुत्र? खुद ही सोचना। अरे पिता पहले आएगा तभी तो पुत्र होगा। तो यहां लिखा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट, ऊपर लिख टोटल एसेट्स नीचे लिख डेप्ट, तो ये हो गया डेप्ट। सर डेप्ट क्या होता है? पगला मत, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन। आगे चलते प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला देखो, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर फंड, इक्विटी। सर 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 यहां भी इक्विटी आया था, यस वही वाला है पगले। प्रोप्राइटर फंड वही, कैपिटल रिजर्व सरप्लस, शेयर होल्डर फंड कैपिटल रिजर्व सरप्लस, इक्विटी कैपिटल रिजर्व सरप्लस, याद भी करा दिया तीन बार। तो ऊपर हो गया अपना शेयर होल्डर फंड और नीचे हो गया टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अच्छा नहीं लगा तो ऐसे लिख ले पीबीआईटी, थोड़ा स्टाइल भी तो आता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, यानी लॉन्ग टर्म लोन पे
इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है उसको। अब यहां सर इसका हमारी कंपनी या हमारे बिजनेस में क्या रोल है? अरे पता चलेगा कि जो तू इंटरेस्ट पे करता है ना, जो इंटरेस्ट पे करता है उससे कितना ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि ये प्रॉफिट तेरा इंटरेस्ट और टैक्स से पहले है। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मजा ही मजा, और ये इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो समझ जाना जूता ही जूता। तो इंटरेस्ट जो है कम रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। तो ये शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, अब दिख नहीं रहा होगा, तो वही है शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये दो पार्ट आपका रेशियो का फिनिश होता है। ये दो पार्ट का तीसरा चौथा ये पार्ट भी मैं आपको बता रहा हूं, बट एक बार में अगर फार्मूला याद नहीं हो तो मैं ये बार बार कहूंगा, एक वीडियो में दो तीन बार कहूंगा कि आप उसको दो तीन बार 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 उसको देखें। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड रेशियो है। पहला क्या था? लिक्विडिटी। पहला क्या था? लिक्विडिटी। सेकंड क्या था? सॉल्वेंसी। फर्स्ट था लिक्विडिटी, सेकंड था सॉल्वेंसी, और हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे थे। थर्ड में एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स यार, एक्टिविटी जो बिजनेस में हम लोग दिन भर एक्टिविटी करते हैं, बिजनेस में क्या क्या करते हो उससे रिलेटेड जब रेशियो की बात होती है तो एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। अब टर्नओवर क्या होता है सर? टर्नओवर मतलब सेल्स। सबसे पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो में फार्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, थोड़ा स्टाइलिश वे हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और में आप जा सकते हो सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको जो मुंह में अच्छा लगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा लगेगा तो उसको अंदर डाल देना। कुछ लोग इसको और अच्छा कर लेते हैं, सीओजीएस बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं जाना है। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है? ओपनिंग स्टॉक में परचेस ऐड करो और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसको ऐड करो डायरेक्ट, डायरेक्ट माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, या सेल्स माइनस जीपी करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है सर? अरे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई टू, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई टू, या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई टू। ये हो गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टॉक से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है इसलिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई टू। अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल, इसको ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर यार, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर कौन? जो क्रेडिट सेल करता है। डेटर टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कौन सा रेवेन्यू जनरेट किए बिजनेस जब किए तो बेचोगे तो मिलेगा रेवेन्यू, तो क्रेडिट सेल तभी डेटर बनता है। क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर प्लस बीआर। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, डेटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मैं बार बार ये डबल सेंटेंस इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि कई बच्चे ऐसा याद करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और जब बोर्ड एग्जामिनेशन आता है तो आ जाता है डेटर टर्नओवर रेशियो, तो उनको लगता है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, जबकि दोनों सेम है, डेटर टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
और आपको समझाने भी बता रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर और डेटर मींस क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में कौन आएगा? डेटर और बीआर। अब यहां थोड़ी हम बात करेंगे, मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दिया है तो दोनों का एवरेज ले लेना, ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइडेड बाई टू करके एवरेज ले लेना। दो ठो बीआर दिया है तो दो बीआर तो लेकर चलोगे ना, ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाई टू कर लेना, एवरेज आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन में सिंगल एक वर्ड लिखा है डेटर, तो नीचे ना ये एवरेज अपन को बीआर ढूंढने की जरूरत नहीं है, डेटर से काम चल जाएगा। नीचे सिर्फ दिया बीआर, सिर्फ बीआर से काम चला। सर दोनों दिया है एड करो, दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है एवरेज निकालो, इसका एवरेज इसका एवरेज, फिर एड करो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सर बीआर कुछ नहीं दिया है, डेटर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया, फिर एवरेज निकालो। यहां सिंगल चाहिए हमको, ठीक, डेटर दिया डेटर का एवरेज, बीआर दिया बीआर का एवरेज, दोनों दिया है तो दोनों के एवरेज को प्लस करके, सिर्फ एक दिया है एक से काम चला। अरे सबके घर में होते हैं ना, किसी घर में तीन बच्चे होते हैं, किसी घर में चार बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही है ना, ठीक। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यहां डेटर और बीआर दोनों को एड करते हैं तो निकलता है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो या डेटर टर्न ओवर रेशियो। डेटर टर्न ओवर रेशियो के साथ कई बार आपको कहेगा कलेक्शन पीरियड निकालो, कई बार आपसे क्या कहेगा कलेक्शन पीरियड निकालो। जब भी कलेक्शन पीरियड बोलेगा तो आपको क्या करना है 365 डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, दिन में आ गया 52 डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बगैर पूछे क्लास छोड़ के आप नहीं जाएंगे, क्लासरूम में आप बैठे हैं तो इतने ईमानदारी से बैठिए, बीच में क्लास छोड़ के जाना अलाउ नहीं है। हाँ, तो 365 बाय, अगर डेज में दिया है तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आपको प्यास लग रही है बहुत, एक घंटे की क्लास होती है, आपको फॉर्मूले पूरे रटाए जा रहे हैं, पूरे आपको याद कराए जा रहे हैं, आपको प्यास लग रही है, ये एटीट्यूड ही हमको पीछे लेके जाता है। आई है एनीवे, तो यहां पे अगर दिन में चाहिए तो 365 बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, 52 बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर या 12 बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। मतलब सर अगर इसको डेज में निकालना है तो 365 बाय ये आंसर जो आया रहेगा आपका, वीक में निकालना है 52 डिवाइडेड बाय जो डेटर टर्नओवर रेशियो आया रहेगा, और मंथ में निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय जो आंसर आया रहेगा, इसे हम कलेक्शन पीरियड कहते हैं। यहां तक ओके हो आपको? चलो इधर और मान लेते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऊपर क्या रहेगा क्रेडिट सेल, और नीचे क्या रहेगा डेटर प्लस बीआर। अब कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा पीछे जाकर के वीडियो में देख लेना, डेज में निकालना है 365 डिवाइडेड बाई आंसर, 52 डिवाइडेड बाई आंसर, 12 डिवाइडेड बाई आंसर। यानी यूं कहूं कि दिन में निकालना है कलेक्शन पीरियड तो 365, वीक में निकालना है तो 52 रखना पड़ेगा, और अगर मंथ में आपको निकालना है तो आपको 12 रखना पड़ेगा। तो ये यहां तक ही हमारी बातें हो गई, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूंगा तो अच्छा भी लगेगा ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं कॉपी में और कॉपी से मिटा नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। आगे आता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो जितने स्मार्ट बच्चे होते हैं ना रिसीवेबल टर्नओवर समझते हैं, इसको समझ जाते हैं। ये पेबल यानी बिल्स पेबल की बात हो रही है, यानी क्रेडिटर की बात हो रही है, यानी क्रेडिट परचेज की बात हो रही है, सेम जैसे वो डेटर टर्नओवर रेशियो था, या नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। अब एवरेज ट्रेड पेबल में कौन कौन आ सकता है? क्रेडिटर आ सकता है और बिल्स पेबल आ सकता है। कौन आ सकता है? क्रेडिटर। एवरेज ट्रेड पेबल में, एवरेज ट्रेड पेबल में क्रेडिटर आएगा और बिल्स पेबल। फिर उसी बात को रिपीट करूंगा, सिर्फ क्रेडिटर दिया है तो उसको लिखोगे, ओनली बिल्स पेबल दिया उसको लिखोगे, दोनों दिया है एड करके लिखोगे, अगर दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू करके ये निकाल लोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू करके ये निकाल लो, फिर एड। तो ये हो गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, नीचे क्रेडिटर प्लस पीपी। इसमें पेमेंट पीरियड निकालना होता है, जैसे उसमें कलेक्शन पीरियड होता है ना, इसमें पेमेंट पीरियड निकालते हैं। तो पेमेंट पीरियड निकालना है तो 365 बाय सीटीआर, सीटीआर मतलब
इसको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कहो या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। मंथ में चाहिए तो 12 बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और वीक में चाहिए 52 डिवाइडेड बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये हो गया आपका। इसके पहले हमने पढ़ा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फिर हमने पढ़ा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर हमारा आया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये चारों में से एक बोर्ड के एग्जामिनेशन में 99% आपको दिखेगा, यानी आपको लिखना ही है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब बेचोगे तो रेवेन्यू आएगा, बैठे बैठा है भगवान दे दे नहीं, कर्म करना पड़ता है, बगैर कर्म की कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, बार बार बोलता हूं मैं कि पढ़ना जरूरी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल, नीचे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो हमने थर्ड पार्ट आपका क्लियर कर दिया। पहला पार्ट था सबसे जो पहले आप पढ़ रहे थे लिक्विडिटी रेशियो था जिसमें दो रेशियो थे, फिर था हमारा सॉल्वेंसी रेशियो जिसमें चार थे, फिर हमारा था एक्टिविटी रेशियो उसमें आपने चार भाग में पढ़े। तो चार चार आठ और दो दस हो गए हैं, पांच लास्ट बचे हैं, 5 लास्ट 15, 5 5 का 3 15। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताने की जरूरत है, प्रॉफिट की बात हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पगला भी होगा ना तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेगा, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकालेगा तू सेल पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर नीचे में नेट सेल इनटू 100 परसेंटेज में निकालेगा ना। लोग बोलते नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 20% हुआ, 30% हुआ, 50% हुआ, तो कुछ नहीं जीवी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर नीचे में नेट सेल इंटू 100। अब आते हैं हम लोग ये पूरे सेम मैथिंग है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। सर ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल। सर नेट सेल मींस क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़े थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हुआ? ऐसा जाओगे तो सेल्स माइनस जीपी या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आ गया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सैलरी रेंट प्रिंटिंग स्टेशनरी पोस्टेज टेलीग्राम लॉ चार्जेस लीगल एक्सपेंसेस ऑडिट फीस, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नीचे नेट सेल इनटू 100। यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपने ग्रॉस प्रॉफिट किसके साथ निकालोगे? सेल्स के साथ। ऑपरेटिंग रेशियो किसके साथ निकलेगा? सेल्स के साथ। इतना हमारा कॉस्ट पड़ा, इतना हमारा खर्चा पड़ा इनटू 100 के। तो थर्ड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस ऑपरेट करने से। फिर वही देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तीसरी बार नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तीसरी बार नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और चौथी बार भी नीचे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही मिलेगा क्योंकि ये भी प्रॉफिट से रिलेटेड है। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट ये नेट है एकदम रियल नेट है। सर ये ऑपरेटिंग और नेट में मैं कंफ्यूज था। ऑपरेटिंग का मतलब सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिए जाएंगे, बिजनेस से रिलेटेड इनकम लिए जाएंगे, नीचे सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो इसमें सब कुछ माइनस है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रियल प्रॉफिट है जो आपके घर जाएगा, जो आपके कैपिटल में ऐड होगा, जो आपके बिजनेस में जाएगा, जो आपके प्रोवाइडर्स फंड को बढ़ाएगा अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो अंडरस्टूड है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो चार फॉर्मूले हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर में ग्रॉस प्रॉफिट नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग रेशियो ऊपर में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स और नीचे में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे में सेल, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे में सेल, नेट प्रॉफिट ऊपर में नीचे में सेल,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर नीचे सेल, ये चारों किससे रिलेटेड है? सेल्स के। अरे पागल, कभी भी प्रॉफिट किससे रिलेटेड रहता है? सेल्स से। प्रॉफिट कहां से होगा? सेल करेगा तू। ये चारों कवर हो गए। अगला आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, थोड़ा अलग है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब पैसा वैसा कमा लिए हम लोग, अच्छा खासा इनकम हो गया, तो चलते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब थोड़ा इन्वेस्ट भी हो जाए यार, तो इन्वेस्ट करोगे तो उससे कितना प्रॉफिट मिला आपको दिखा देखो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन नीचे में है कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो जो प्रॉफिट हुआ है बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स बिफोर डिविडेंड, मतलब ये सर ये क्या होता है सर, इनके पहले इनको माइनस करने के पहले जो प्रॉफिट है नीचे अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड या एक और फॉर्मूला पढ़ लो, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, यहां तक तो होता था इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म लोन ऐड कर आगे कैपिटल, शेयर होल्डर फंड जो है उसमें लॉन्ग टर्म लोन ऐड कर दो। लॉन्ग टर्म लोन यानी लंबे समय वाला जो लोन है, लाइक अगर कंपनी का मामला है तो डिवेंचर, नहीं तो आप लोग के लिए लॉन्ग टर्म लोन लिखा रहेगा क्वेश्चन के अंदर, मेंशन रहेगा, जो 12 मंथ से ज्यादा के लिए लोन लिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन है। यू करके आपके सेकंड बुक के अगर जिस बच्चे को जिस स्टूडेंट को ये 15 फार्मूले अगर अच्छे से नॉलेज है, इस 15 फार्मूले याद है या 15 फार्मूले का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो निश्चित तौर से आधा रेशियो एनालिसिस चैप्टर हो गया, बाकी सब तो फिट करना है। अरे पैंट शर्ट आ गई घर में, अब क्या करना है? पहनना है, तो पैंट शर्ट आ गया, 15 फॉर्मूले हुआ, मतलब पैंट शर्ट आपके घर पहुंच गया, सिर्फ आपका काम पहनना है और थोड़ी कंगी वंगी करके निकल लेना है। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैप्पी न्यू ईयर भी मैं कह दूं तो हर दिन हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर है, गुड लक बेटा।